जय हिंद दोस्तों, एक बार आपका फिर से स्वागत है इस दिव्यांश विरथरे यूट्यूब चैनल पर। और मैं आशा करता हूँ कि आप लोग बढ़िया तरीके से पढ़ रहे होंगे और आप लोगों का एग्ज़ाम इज़ अबाउट टू कम। बहुत जल्दी आपका एग्ज़ाम आने वाला है और बहुत पास एग्ज़ाम है। अभी कुछ 40-45 दिन आपके एग्ज़ाम के लिए बचे हुए हैं, तो मैं कुछ लास्ट टाइम के टिप्स आपको देना चाहता हूँ। ये एक मंथ डेढ़ मंथ में आपको क्या करना चाहिए, क्या पढ़ना चाहिए, कैसे आप जनरल स्टडीज़ के स्कोर को क्या कर सकते हो, मैक्सिमाइज कर सकते हो, कौन सी गलतियां आपको नहीं करनी है, तो इन सब पे आज हम क्या करने वाले हैं, बात करने वाले हैं। तो वो आपने सुना भी होगा कि अब हवाई करेंगी रोशनी का फैसला, अब हवाई करेंगी रोशनी का फैसला, जिस दिए में जान होगी वो रह जाएगा। तो सर कई लोग इसको एग्ज़ाम बोलते हैं, मैं कोई भी एग्ज़ाम को एग्ज़ाम नहीं बोलता। जिस एग्ज़ाम की आप शिद्दत से तैयारी करते हैं मैं उसको कभी एग्ज़ाम नहीं बोलता, मैं उसको लड़ाई बोलता हूँ। और लड़ाई जो है ना सर, वो हमेशा जीतने के लिए करी जाती है। एग्ज़ाम हो सकता है आप एक्सपीरियंस के लिए दे लो, पर जो एग्ज़ाम में आप सिलेक्ट होना चाहते हो वो एग्ज़ामों को मैं लड़ाई मानता हूँ। और लड़ाई हमेशा, आपको पता है सर कि लड़ाई हमेशा जीतने के लिए की जाती है। तो जो भी लोग अभी ये सोच रहे हैं, कि यार डेढ़ महीने में क्या ही हो पाएगा, क्या करें एक महीने डेढ़ महीने में, ठीक है यार ये एग्ज़ाम इस टाइप सा दे लेते हैं, मैं उन सब लोगों से बोलता हूँ ये सब चीज़ें दिमाग से निकाल कर सिर्फ आपको तैयारी करनी है। और तैयारी पूरे दम लगा कर करनी है, पूरे दम लगा कर, जितना आप लगा सकते हो ना, जिसमें आपको बाद में लगे कि नहीं यार मज़ा आ गया, वो तैयारी करनी है। और उस तैयारी के बाद आपको एग्ज़ाम देना है। डजंट मैटर आपका सिलेक्शन हो नहीं हो, बाद में जो होगा वो देखा जाएगा, पर अभी आपका फोकस सिर्फ किस पे होना चाहिए, आपकी प्रिपरेशन पे होना चाहिए, आपकी तैयारी पे होना चाहिए, ठीक है। तो आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं जनरल स्टडीज़ की स्ट्रेटेजी की, कि इन दो महीने में हम किस चीज़ पर ज़्यादा फोकस कर रहे हैं जिससे हमारा स्कोर क्या हो जाए, आपका मैक्सिमाइज हो जाए। तो सर जैसा कि आपको पता है कि यार जनरल स्टडीज़ का ट्रेंड SSC धीरे धीरे चेंज कर रहा है। अब जो ट्रेंड हो चुका है जनरल स्टडीज़ का, वो आप जानते हो कि वो कम्प्लीटली स्टैटिक इन नेचर है। स्टैटिक इन नेचर, जैसे पहले के टाइम हम देखते थे कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन भी SSC पूछ लेता था, बट 2017-18 के बाद से जब से TCS एग्ज़ाम ले रहा है, जब आप देखोगे कि SSC बहुत ज़्यादा स्टैटिक टाइप के क्वेश्चन आपके पूछने लगा है। तो जहाँ पर आपका वेटेज जो है वो स्टैटिक और करंट का बहुत ज़्यादा बढ़ने लगा है एग्ज़ाम में। तो याद रखिए, स्टैटिक और करंट सबसे बड़े पिलर हैं आपके इस एग्ज़ाम के, जिन पर आपको बहुत ज़्यादा फोकस करना है अब से। तो स्टैटिक और करंट पर आप फोकस करिए, सबसे पहला पॉइंट है। कई लोग अभी लूसेंट को पढ़ने में लगे हैं, आप अभी लूसेंट को नहीं कर सकते सर। एक महीने में लूसेंट को कंप्लीट करना, फिर उसको रिवाइज करना, उसको याद रखना काफ़ी डिफिकल्ट है। बहुत सारी चीज़ें उसमें से पॉइंट आउट करना, कौन सी चीज़ इंपॉर्टेंट है, कौन सी नहीं है, इसमें से क्या आपके लिए ज़रूरी है, ये सब चीज़ें करना इस एक डेढ़ महीने में बहुत मुश्किल काम है। तो उन लोगों को मैं सजेस्ट करूंगा कि वो लोग देखें कि एग्ज़ाम, प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम्स को आप उठाओ कि कौन सी चीज़ SSC सबसे ज़्यादा पूछ रहा है। मैंने इसके लिए कई वीडियो भी बनाए, मैंने हर एक टॉपिक का ट्रेंड एनालिसिस भी करा है, जहाँ पर मैंने स्टैटिक GK का भी ट्रेंड एनालिसिस करा है, जहाँ पर आपको स्टैटिक GK के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिल जाएंगे। आप उस वीडियो को देख लीजिए कि कौन सी चीज़ें स्टैटिक GK से सबसे ज़्यादा पूछी जा रही हैं। तो पहला पॉइंट है कि आपको स्टैटिक GK को बहुत अच्छा करना है इस एक डेढ़ महीने में। स्टैटिक GK में आप क्या करना है, तो स्टैटिक GK में देखो, पहले होता था कि स्टैटिक के कुछ 4-10-15 टॉपिक थे, आप वो कर लो हो जाएगी, बट स्टैटिक GK को आप देखोगे तो बहुत ब्रॉड हो चुका है। जैसे हिस्ट्री के स्टैटिक क्वेश्चन हो गए आपके, आपके कॉन्स्टिट्यूशन के स्टैटिक हो गए। कॉन्स्टिट्यूशन के स्टैटिक का मतलब यार कौन सा पर्टिकुलर आपका कमीशन कब एस्टेब्लिश हुआ था, उसकी डेट क्या है, पहले प्रधानमंत्री कौन से थे, कौन से नहीं है, तो इस टाइप के क्वेश्चन आपके कॉन्स्टिट्यूशन के स्टैटिक में आ रहे हैं। और आप देखोगे तो ज्योग्राफी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है, क्योंकि स्टैटिक GK में कई सारे क्वेश्चन ज्योग्राफी से आ रहे हैं। ये फलाना माउंटेन्स कहाँ है आपका, ये फलानी पहली इंसान कौन थी, फर्स्ट सबसे बड़ा पुल कौन सा है, तो इस टाइप के क्वेश्चन आप देखोगे एग्जामिनेशन में लगातार पूछे जा रहे हैं। उसके बाद हम बात करते हैं आर्ट एंड कल्चर की। तो हिस्ट्री अपने आप में ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण आपका टॉपिक बन चुका है आपके एग्जाम के परस्पेक्टिव से अगर हम बात करें तो हिस्ट्री पे आपको ज़्यादा फोकस करना है। हिस्ट्री के साथ साथ आपको आर्ट एंड कल्चर को भी देखना है, जहाँ पर आप देखोगे फेस्टिवल से क्वेश्चन है, फेयर्स से क्वेश्चन है, म्यूज़िक वगैरह, इन सब से लगातार SSC क्वेश्चन क्या कर रहा है, आपका पुट ऑन कर रहा है। तो पहला मेरा सजेशन आपके लिए ये है कि आप स्टैटिक GK पे फोकस करें, और स्टैटिक GK में आपको ट्रेंड को देखें, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो आपको जितने आपको मिल जाएँ उतने क्वेश्चन आप लगा सकते हैं तो लगा लें। जैसे CHSL हो गया, CGL हो गया है आपका, ये एग्ज़ाम हो चुके हैं, तो इनके क्वेश्चन अगर आपको मिलते हैं तो इनकी आप प्रैक्टिस कर सकते हो, जहाँ से आपको पता लगेगा कि कुछ टाइप के क्वेश्चन SSC आपसे पूछने वाला है। तो वहाँ से इन सब चीज़ों को पॉइंट आउट करके आप स्टैटिक GK को अच्छे से कर लें आप, ठीक है। पहली चीज़ ये है कि आपको स्टैटिक GK करना है।
सेकंड चीज आती है करंट अफेयर्स की, कि करंट अफेयर्स को हम किस टाइप से डील कर रहे हैं। एसएससी में लगभग आपके पेपर में 5 से 10 क्वेश्चन करंट के होने वाले हैं, और पता नहीं है वो ज़्यादा भी हो सकते हैं, ठीक है। तो करंट अफेयर्स को हम किस टाइप से डील कर सकते हैं, तो मैंने हमेशा से बोला है करंट अफेयर्स आप मंथली करना चालू करिए, क्योंकि डेली करंट अफेयर्स में बहुत सारी इररेलेवेंट चीज़ें आ जाती है। डेली करंट अफेयर्स आर बेनिफिशियल फॉर यूपीएससी एंड अदर एग्जामिनेशन, नॉट फॉर योर एसएससी एंड वन डे एग्जामिनेशन। वहाँ पर आपकी मंथली करंट अफेयर्स में कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें, बड़ी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें आएंगी, वो आप कर लोगे, वो आपको याद भी जाइए, और वो एसएससी लगातार एग्जामिनेशन में पूछ रहा है, ठीक है। तो ए होगा क्या, आप मंथली करंट अफेयर्स को करना चालू करिए। अब क्वेश्चन आता है कौन से मंथ से कौन से करें, तो देखो एसएससी के एग्जाम डिले होते जा रहे हैं, जो पहले होने थे अब वो बाद में हो रहे हैं, तो चांसेस आर हायर कि एसएससी पुराना भी पूछ रहा है। सीएचएसएल के एग्जाम, सीजीएल सीएचएसएल के एग्जाम देखे गए, जहां पर दिसंबर और जनवरी 2020 के भी क्वेश्चन आए, और इससे पहले के भी आए। आपका एग्जाम नवंबर है, तो हम एक ऐसा एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि दिसंबर जनवरी 2020 के भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकते हैं, और उसके बाद के भी। तो हमें लगभग लास्ट 6 मंथ्स की करंट अफेयर्स पर ज़्यादा फोकस करना है। जैसे मैं अगर करंट अफेयर्स पढ़ाऊंगा तो लगभग जनवरी से करंट अफेयर्स को लूंगा, और जनवरी से लगभग सितंबर तक की करंट अफेयर्स को मैं क्या करूंगा, अपने राडार में रखूंगा। यही आपको करना है कि इस मंथ की करंट अफेयर्स को आपको देखना है, और करंट अफेयर्स में जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें हो जाती हैं वो हो जाता है अपॉइंटमेंट्स, ठीक है, आपके अवार्ड्स। इन दो सेक्शन ऐसे हैं जहां से एसएससी लगातार क्वेश्चन पूछ रहा है। बुक्स और डेज के सेक्शन को आप स्टैटिक जीके और करंट में दोनों के बीच का पार्ट मान सकते हो, क्योंकि एक दो क्वेश्चन आपको इधर से मिल जाएंगे, बुक्स से और आपके डेज से। तो इसको करंट और स्टैटिक दोनों की तरह आप ट्रीट करिए, दोनों की तरह आप इसको तैयार करिए, ठीक है, किसके, बुक्स और डेज वाले टॉपिक को। तो इस हिसाब से आपको करंट अफेयर्स को करना है। कोई भी ठीक ठाक मैगजीन ले सकते हो आप, इसमें आपकी जो ऑथेंटिक चीज़ें दी हों वहाँ से इस चीज़ को आप कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। तो स्टैटिक जीके हो जाए, आपकी करंट अफेयर्स हो जाए, जब ये दोनों चीज़ें आपकी अच्छी हो जाए, आपको लगे कि नहीं आपने इनको पढ़ लिया है, एंड आप फील करते हो कि नहीं यार इस जगह से अगर क्वेश्चन आते हैं तो आप इन क्वेश्चंस को बना दोगे, तो मैं फिर आपको सजेस्ट करूँगा कि आप फिर सब्जेक्ट वाइज जीके पे जाइए, फिर आप हिस्ट्री को पूरा पढ़ना चालू करिए, फिर अगर आपको टाइम मिलता है तो। आई एम नॉट सजेस्टिंग यू, अभी मैं आपको बिल्कुल भी सजेस्ट नहीं करूँगा कि आप सब्जेक्ट वाइज जीएस पे काम करिए, पहले पूरी हिस्ट्री इस टाइप से आप पढ़ना चालू करिए, क्योंकि आप टाइम नहीं बचाए, क्योंकि आपको और भी सब्जेक्ट्स को पुट ऑन करना है, ठीक है। तो ए स्ट्रेटेजी आप बना सकते हो जीएस जीके में, जो आपके स्कोर को मैक्सिमाइज करने में क्या करेंगे, बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाले हैं, ठीक है। सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, बिल्कुल भी घबराइए मती, ठीक है, नहीं हुई है तैयारी कोई दिक्कत की बात नहीं है, अभी टाइम है, आप बहुत सारी चीज़ें कर सकते हो, तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखकर आप अपनी तैयारी को शुरू कर सकते हो, ठीक है। जो लोगों को लगता है कि यार उनके साथ जीएस में कुछ हो नहीं पा रहा है, या जो लोग बिल्कुल असहाय महसूस कर रहे हैं जीएस में, तो मैंने क्रैश कोर्स स्टार्ट कराया अभी, जो स्पेसिफिकली स्टैटिक जीके और करंट का क्रैश कोर्स है, तो वो आप लोग उसको भी ज्वाइन कर सकते हो, बहुत ही कम फीस है उसकी। उसको ज्वाइन करने के लिए आप इस नंबर पर मुझे मैसेज कर सकते हो, और बाकी कोई भी दिक्कत आती है तो भी मुझे इस नंबर पर आप मैसेज करते हो कर सकते हो। थैंक यू सो मच, पढ़ते रहो, बढ़ते रहो।